जवाजा ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़िया नंगा में बच्चे बाहर खुले मैदान में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। विद्यालय के चार कमरे जर्जर हालत में हैं, दो पट्टियां टूट चुकी है जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिक्षक मजबूरी में बच्चों को खुले मैदान में पढ़ा रहे हैं। चार बार लिखित में विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा है पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। जगह जगह से खिड़कियां टूट रही है, पट्टियां टूट चुकी है, प्लास्टर गिर रहा है। ऐसी मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश सुयल ने इस बाबत राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई है। शिक्षा विभाग में जिला कलेक्टर अंशदीप को भी इस बारे में जानकारी दी है। कहा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है पर सरकारी भवनों की मरम्मत का काम नहीं करवा रही है। बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने पर जोर दिया जा रहा है। वही सुविधा के अभाव के कारण देश का भविष्य खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़िया नंगा में ग्रामीणों ने स्कूल की मरम्मत नहीं कराने पर शिक्षा विभाग को चेतावनी दी है। अगर एक सप्ताह के भीतर काम शुरू नहीं किया गया तो हम स्कूल की तालाबंदी करेंगे। चेतावनी देने वालों में ओम प्रकाश गुर्जर, देवीलाल गुर्जर, विक्रम सिंह भाटी, मंगल सिंह भाटी, धर्मेंद्र सिंह भाटी, पिंटू भाटी एवं पूनम सिंह भाटी आदि शामिल है। इस संदर्भ में प्रधानाध्यापक बीना माथुर ने बताया कि हमें बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल में केवल एक ही रूम ठीक स्थिति में है, उसमें कक्षा 7 और 8 शामिल बिठा कर पढ़ाते हैं, बाकी 4 रूम पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। कक्षा 1 से 6 तक बच्चों को खुले मैदान में पढ़ाने को मजबूर है। बरसात के समय जब कार्यालय में बैठते हैं तो परेशानी होती है, चारों तरफ पानी टपकता है। स्कूल के कमरे करीब 40 साल पुराने हैं, तब से अब तक कोई सुध नहीं ली गई है। ऐसे क्षतिग्रस्त भवन में कभी भी हादसा हो सकता है। जो भी कमरे हैं वो बहुत क्षतिग्रस्त हैं। बच्चों को बारिश, सर्दी और गर्मी के अंदर बाहर बिठाना पड़ता है, और जब अधिक बारिश होती है हम चाहें कि उनको अंदर बिठाएं, लेकिन हमें बिठाते हुए डर लगता है क्योंकि कहीं पट्टी गिर ना जाए और उनके बच्चों की जान को खतरा रहता है। पंचायत समिति जीवाजा के उसमें तो इस स्कूल का फॉर्मेशन लगभग हुआ था आज से 100 साल पहले, और 100 साल के बाद अब तक इस स्कूल के अंदर एक भी कार्य ना तो नवनिर्माण हुआ है, और इसकी आपने कंडीशन अभी देखी है, इसकी कंडीशन इतनी जर्जर और इतनी बदतर हालत हो रखी है कि ये स्कूल नहीं बच्चों के मौत का बुलावा है। और मेरा मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा डिपार्टमेंट से एक आग्रह है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है उनसे कि बच्चों की मौत का साया बना हुआ, और इस स्कूल पे विशेष तौर से आप ध्यान दीजिए। अच्छी योजनाएं आपने निकाली है, बाल गोपाल योजना, दूध योजना, जो आपने ये कपड़े वितरित निशुल्क पढ़ाई लिखाई के लिए किया, लेकिन आपका धन्यवाद है इस चीज़ों के लिए। लेकिन एक बात ये भी सोचिए कि इन चीज़ों को जो आप ये कर रहे हो इससे दी बेस्ट है कि पहले स्कूल का फॉर्मेशन किया जाए।